मैं एक रोहिंग्या मुस्लिम हूँ। बर्मा में हम 2005 में बर्मा से निकल आए क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों को जुल्म करते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मुसलमानों को बोलते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम लोग यहाँ से जाओ। इलेवेंथ में हूँ मैं, जामिया मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ और लॉयर बन के लोगों की मदद करना चाहती हूँ, अपने देश के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ। दो हज़ार 2012 में वहाँ पे बहुत दंगा हो गया। इसी दंगा में जो बुद्धिस्ट पब्लिक बुद्धिस्ट है, तो पब्लिक बुद्धिस्ट के साथ हम लोग के साथ लड़ाई हो गया, तो हमारा मौजूद जला रहे, गांव जला रहे। तो इसलिए हम लोग उसी टाइम भाग कर हम बांग्लादेश आए। बांग्लादेश रजिस्टर नहीं कर रहे, तो बांग्लादेश से हम सीधे इंडिया आया था। हमारे वहाँ पे बाप का बहन है, फू है हमारे एक, उनके साथ बात हो रही है। बोल रही है हमारे जो 2 किलोमीटर दूर गाँव है वहाँ पे जो पूरा गाँव में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद चारों तरफ से जो फौजी है, फौजी ने घेर के रखा है। तो जो बंदा निकलता है, जो आग घर पे आग जला दिया, तो बंदा जब बाहर निकलता है उसको गोली मार देता है। हमारा वहाँ पे जीजा है, बहन है, उनका 4 बच्चा है। तो हमारा एक सासू है, उनको कोई बात भी नहीं पाई है। अभी उनको खबर भी कहाँ पे है जानकारी भी नहीं है। हमारा दिल में वो भी परेशानी है कि किसी ने मार दिया होगा, किसी ने काट दिया होगा। बर्मा में तो छलने फिलने नहीं दे रहे सर। हिंदुस्तान में तो सरदार, मुसलमान, सिख, ईसाई सब तो बराबर है सर। हम तो हिंदुस्तान में तो अभी बहुत अच्छा लग रही है सर। हम डर के भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारा देश नहीं है। यहाँ का सरकार ने, यहाँ का लोगों ने, यहाँ का पब्लिक ने, यहाँ का मुसलमान भाई लोगों ने हम लोग इतना दिन से यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, वो भी हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया की बात है। हम तो हमारे देश से खुशी से नहीं आया यहाँ पे। बांग्लादेश में जो है, इंडिया में जो है, वो तो खुशी से नहीं आया। हमारे घर को जला रही है, हमारे बच्चा को मार रही है, हमारे माँ को जुल्म कर रही है, बहन को जुल्म कर रही है। हम तो सिर्फ हिंदुस्तान में तो बर्मा से पनाह लेने के लिए आया था, जान बचा के पनाह लेने आया। अगर हमारा देश शांति हो गया तो हम तो हमारे देश में चला जाएंगे। हमारे पास तो देश नहीं, हमारे पास तो कोई नेसिलिटी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे इंडिया में हम 5 साल से रह रहे हैं शांति से, लेकिन अभी बोल रहे हैं जाने के लिए, बर्मा में वापस देंगे। हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि बर्मा में वापस मत दीजिए हमें, मारना है तो यहीं मार दीजिए।